हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम. डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड चैप्टर नंबर 2 ऑफ इंग्लिश ट्रेजर बुक होम स्वीट होम. चैप्टर नेम इज होम स्वीट होम. दिस इज अ पोएम. यह एक पोएम है. आज हम इसकी रीडिंग करेंगे. मैं आपको फर्स्ट चैप्टर करवा चुकी हूँ. मैंने उसको क्वेश्चन आंसर आपको आज सेंड किए हैं पीडीएफ में. आप उसको कॉपी पे राइट करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी हियर सम एनिमल्स एंड देयर होम्स. आप यहाँ पे कुछ एनिमल्स देख रही हो और उनके होम्स देख रही हो. आपको क्या करना है, मैच द एनिमल्स विद देयर होम्स एंड कलर देम. आपको इनको मैच करना है उनके होम से और उनको कलर भी करना है. मैं आपको बता देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज हैन. हैन का होम क्या होता है, हैन के होम को क्या बोलते हैं, कूप. तो हमें क्या करना है, हैन को कूप से ऐसे मैचिंग करनी है. ओके, नेक्स्ट है नंबर 2 पे डॉग. आपको डॉग कहाँ रहता है, तो डॉग लिव्स इन कैनल. ओके, डॉग्स हाउस इज कॉल्ड कैनल. ओके स्टूडेंट्स, नंबर 3 पे है हॉर्स. इट इज हॉर्स. देखे ना आपने हॉर्स को, इट इज हॉर्स. हॉर्स हाउस इज कॉल्ड, हॉर्स के हाउस को क्या बोलते हैं, स्टेबल. देखे ना आपने स्टेबल. आपके घरों में होगा भी कई के, हॉर्स भी, डॉग भी, हैंस, काउस. आपको सभी इनके होम्स नेम पता होने चाहिए. आपने इनको लर्न भी करना है, कलर भी करना है और मैचिंग भी करनी है. नंबर 4 पे है काउ. इट इज काउ. एंड काउज हाउस आर कॉल्ड काउ शेड. काउ के हाउस को क्या बोलते हैं, काउ शेड. ओके, तो रिपीट इट. हैन कूप. हैंस हाउस आर कॉल्ड कूप. डॉग हाउस आर कॉल्ड कैनल. एंड हॉर्स हाउस आर कॉल्ड स्टेबल. लास्ट इज काओ. काओ हाउस आर कॉल्ड काओ शेड. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आज का वर्क है. आपने मैचिंग करनी है एनिमल्स विद देयर होम्स एंड कलर देम ऑल्सो. ओके, तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं पोएम की. ओके, आप मेरे साथ साथ अपनी बुक पे फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे. अ होम कैन बी मेड ऑफ स्टिक्स एंड मड, ऑफ ग्रेट बिग ब्लॉक्स ऑफ स्नो. आई रिपीट इट. अ होम कैन बी मेड ऑफ स्टिक्स एंड मड. होम किससे बनता है, मड से, स्टिक्स से, एंड अ ग्रेट बिग ब्लॉक्स ऑफ स्नो. और बर्फ की बड़ी बड़ी ईंटों से भी बन सकता घर बनता है. अ होम कैन बी 20 स्टोरीज टॉल और इन द ग्राउंड बिलो. अ होम कैन बी 20 स्टोरीज टॉल और इन द ग्राउंड बिलो. स्टूडेंट्स, फर्स्ट 2 लाइन्स मीनिंग इज द हाउस कुड बी मेड ऑफ स्टिक्स एंड मड और स्नो. जैसे कि इग्लूज होते हैं ना, इग्लूज हाउस होते हैं, वो बर्फ से बने होते हैं. और जो कच्चे हाउस होते हैं वो गारे से, स्टिक्स से, मड से बने होते हैं ना. घर बहुत सारे होते हैं. होम्स आर वेरी टाइप्स ऑफ होम्स. अ होम कैन बी 20 स्टोरीज टॉल. एक घर में 20 स्टोरीज वो लंबा भी हो सकता है. मतलब कि जैसे बंगले होते हैं बड़े बड़े, है ना, आपने देखे होंगे बिल्डिंग्स बहुत लंबी लंबी, वैसे भी हाउस हो सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अ हाउस 20 स्टोरीज टॉल भी हो सकते हैं, लाइक ए स्काई स्क्रैपर्स. और अंडरग्राउंड द बिलो, कि ग्राउंड के नीचे भी हो सकते हैं. जैसे बूरोज ऑफ रैबिट्स एंड मोल्स हाउसेज, उनके हाउसेज क्या होते हैं, जमीन के नीचे होते हैं. और अंडर द ओशियन वाइड, और कहाँ हो सकते हैं, ओशियन वाइड. जैसे कि होम्स ऑफ फिश एंड अदर वाटर एनिमल्स, उनके हाउस कहाँ होते हैं, पानी के नीचे होते हैं. अ होम कैन हैव अ विंडमिल अबव. एक घर के ऊपर विंडमिल हो सकती है
और अ चिमनी ऑन इट्स साइड, और उसके साइड में क्या हो सकता है, चिमनी हो सकती है, जहां से धुआं निकलता है ना, चिमनी बना रखते हैं ना घर पे, ये देखो आप पिक्चर में देखो ये चिमनी लगी हुई है साइड में, विंडमिल। अ कैन अ होम कैन बी वेयर यू आर सेफ एंड साउंड। होम कैसा होता है, यहाँ पे हम सेफ फील करते हैं। नो मैटर हाउ द होम लुक्स, ये कोई मैटर नहीं करता कि हमारा घर कैसा दिखता है, छोटा है बड़ा है, बट होम इज अ प्लेस वेयर वी आर फील सेफ एंड हैप्पी विद द फैमिली और विद फैमिली फ्रेंड्स एंड मोर। यहाँ पे हम सेफ फील करते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एंड अदर मेंबर्स, एंड इट्स अ प्लेस। और होम कैन बी वेयर यू हैव योर हर्ट, अ होम कैन बी वेयर यू हैव योर हर्ट एंड ऑल दैट यू एडोर, एंड इट इज अ प्लेस दैट वी लव। होम एक ऐसा प्लेस है जिसे हम प्यार करते हैं, हम कहीं भी घूम आए, कहीं कितने भी दिन लगाए हैं, बाहर जाते हैं ना हम समर वेकेशंस के लिए घूमने, लेकिन घर पे आके जो हमें फीलिंग आती है, जो आराम हम फील करते हैं, जो कंफर्टेबल मिलता है, वो एक अलग ही होता है ना। तो घर आके कहते हैं ना कि घर जैसा कोई नहीं है ना, तो होम इट इज अ प्लेस दैट वी लव, जिसे हम बहुत सारा प्यार करते हैं। नो मैटर कि हाउ अवर होम इज लुक्स, कि हमारा घर कैसा दिखता है ये कोई मैटर नहीं करता स्टूडेंट्स। तो ये होम के बारे में आपकी एक स्वीट सी पोइम थी, आपने इसको अपने पेरेंट्स की हेल्प से एक बार फिर से रीड करना है और इसके मीनिंग को समझना है। घर कैसा भी हो, चाहे वो एनिमल्स का हो, चाहे वो हमारा ह्यूमन बींग्स का हो, घर सभी को अपना प्यारा होता है। डियर स्टूडेंट्स, नीचे आपके ये वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, मैं आपको एक बार इनके मीनिंग बता देती हूँ। ब्लॉक्स क्या होता है, लार्ज सॉलिड पीसेस। ब्लॉक्स क्या होते हैं, लार्ज सॉलिड पीसेस मींस कि बड़े सॉलिड पीस, जो जैसे कि ईंट होती है उनको ब्लॉक्स बोल सकते हैं। स्टोरीज मींस लेवल ऑफ फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग, की फ्लोर से लेवल ऊपर उठा हुआ बिल्डिंग का। विंडमिल, अ मशीन विद लॉन्ग पीसेस ऑफ मेटल दैट टर्न व्हेन द विंड ब्लोज। एक मशीन होती है लॉन्ग पीसेस मेटल की, जो टर्न होती है व्हेन द विंड ब्लो, जब हवा चलती है। चिमनी क्या होता है, अ पैसेज टू लेट द स्मोक आउट ऑफ अ हाउस। जो धुआं निकलता है घर से, जब मम्मा किचन में खाना बनाती है तो वो चिमनी क्या करती है, उस धुएं को घर से बाहर निकाल देती है। साउंड, इन अ गुड कंडीशन, कि साउंड मीन्स आया था ना ये ऊपर आपके लाइन, सेफ एंड साउंड, कि साउंड मीन्स होता है कि गुड कंडीशन, जब हम अच्छा होते हैं तो हम घर पे फील करते हैं ना सेफ फील करते हैं। अडोर होता है लव, प्यार। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपने ये पॉइंट को एक बार फिर से रीड करना है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये आपका आज का वर्क है, मैच द एनिमल्स विद देयर होम्स एंड कलर देम ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।